बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए जल मंत्रालय को आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की दिक्कतों को दूर करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है और साथ में ये निर्देश दिया गया है इसके जरूरत के मुताबिक उपराज्यपाल से भी मदद ले, जबकि बीजेपी से केजरीवाल का ड्रामा करार दे रखी है। तो आतिशी को आदेश जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, जल को लेकर यह आदेश दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्य चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपने जेब में डाला। आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन, तो आप गलियों में जाकर देखिए, नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और यह तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं। तो शराब घोटाला केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल और के कविता से जल्द ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की ईडी की रिमांड को 26 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है और ईडी की इस बात की दलील है कि के कविता का साक्ष्यों और केस के दूसरे आरोपियों से आमना सामना बेहद करवाना जरूरी है। ईडी ने यह भी दलील दी है कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। ईडी का यह दावा है कि 100 करोड़ रुपए के इस रिश्वत कांड में आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में ईडी सूत्रों का यह कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता का आमना सामना कराना जांच एजेंसी के लिए बहुत जरूरी है ताकि नई शराब नीति की साजिश और मुख्य तौर पर मनी ट्रेल का खुलासा हो सके। हालांकि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और बार बार यही सवाल कर रही है कि अरविंद केजरीवाल आखिर क्यों कानून का पालन नहीं करते। सुनिए। ने ठान लिया है कि ना तो हम कानून का पालन करेंगे और ना तो किसी को कानून का पालन करने की प्रेरणा देंगे, भले संविधान की शपथ लिए हो। दिल्ली के खजाने की लूट छोटी मोटी नहीं हुई है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की एकमात्र चिंता है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे राजमहल में रहने लगे। शुरू से ही एक ही बहाना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है, ये जो समन्स आ रहे थे ये इलीगल है और मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोएर्सिव एक्शन अर्थात अरेस्ट इत्यादि नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पाक साफ हूं। किंतु हिंदुस्तान के जो कानून है, जब कानून के सामने जाके अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो ठीक उसका विपरीत तो होता है। कागजात देखने के पश्चात, सबूतों को देखने के पश्चात कानून का हर पक्ष, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो हायर कोर्ट हो, सभी का ये मानना है कि जो हुआ है वो न्यायोचित हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया है, यानी कि तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की याचिका पर अब 27 मार्च को सुनवाई करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के खिलाफ
हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने रिमांड और गिरफ्तारी को अवैध बताया था और खुद को तुरंत रिहाई का हकदार बताया था। तो केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल चाहते थे कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इंकार किया। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उनके भीतर नैतिकता नहीं बची है। देखिए, नैतिकता भी एक चीज होती है। जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकती। कम से कम अपने प्रौधा, उनके प्रौधा तो लालू जी हैं, लालू जी से सीख ले। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए,